एक छोटे से गांव में मोनू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी घनी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों सारा काम हमेशा साथ ही करते थे, हमेशा साथ रहते थे। एक बार सोनू और मोनू किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। उनका ये सफर एक घने जंगल से होते हुए गुजरता था। वो जंगल बहुत घना और बहुत डरावना था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, जिसकी वजह से मोनू को काफी डर लग रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, यार सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जंगल कितना घना है, तुमको डर नहीं लग रहा? मोनू की बात सुनकर सोनू ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मोनू, मेरे रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। कोई भी मुसीबत आएगी ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये कहकर दोनों आगे चलते गए। उस दिन ये डिसाइड हो गया कि कोई भी मुसीबत आए, दोनों में से कोई भी दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। चलते चलते अचानक जंगल में एक मोड़ पर जोर से आवाज आई। किसी जंगली जानवर के गरजने की आवाज थी ये। मोनू और सोनू दोनों ही बहुत घबरा गए। इससे पहले कि दोनों खुद को ढूंढें, सामने एक बहुत बड़ा जंगली भालू आ गया। वो भालू सोनू और मोनू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोनू और मोनू दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। और खतरे को सामने देखते ही सोनू, जो कह रहा था कि वो मुसीबत में अपने दोस्त मोनू का साथ नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन मोनू को तो पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं था। उसने अपने दोस्त सोनू से बहुत बार कहा, अरे सोनू, मुझे छोड़ के मत जा यार, मुझे भालू मार देगा, मुझे तो पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता। लेकिन सोनू ने मोनू की एक नज ली और खुद को सुरक्षित कर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सोनू ने मोनू से एक बार फिर मदद मांगी, सोनू क्या तुम मेरी पेड़ पर चढ़ने के लिए मदद करोगे? भालू मुझे खा जाएगा, मेहरबानी करके मुझे नीचे मत छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, वो देखो भालू मेरी तरफ आ रहा है, और वैसे भी यहाँ छुपने की जगह नहीं है, मैं नीचे आया तो भालू मुझे खा जाएगा, तुम कहीं और जाकर छुप जाओ। इतने में वो भालू और नजदीक आ गया। मोनू के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसे याद आया कि स्कूल में उसके टीचर ने उसे बताया था कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने अपने दिमाग से काम लिया और सांस रोककर सीधा जमीन पर लेट गया, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो मर चुका हो। पेड़ पर बैठा उसका दोस्त सोनू ये सब देख रहा था। अरे ये मोनू पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, ऐसे तो ये भालू उसको खा जाएगा, भाग क्यों नहीं रहा है ये? इतने में वो भालू नीचे लेटे हुए मोनू के करीब आया। उसने मोनू को सूंघा, उसके शरीर का पूरी तरह से मुआयना किया, और जब उसे ये यकीन हो गया कि मोनू एक मरा हुआ इंसान है, भालू आगे बढ़ गया, क्योंकि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। पेड़ पर बैठा सोनू ये सब देखकर बहुत हैरान था। भालू के चले जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से मजाक मजाक में उसे चढ़ाते हुए कहा, अरे भाई मोनू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, भालू ने तो तुम्हें कुछ नहीं किया, और वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोनू ने अपने दोस्त सोनू को जवाब दिया, तुम जानना चाहते हो भालू ने मुझसे क्या कहा? तो सुनो, भालू ने मुझसे कहा कि बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हें मरने के लिए रहने दे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है, ऐसे दोस्तों से अलग हो जाने में ही भलाई है। सोनू मोनू की ये बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ता और हमेशा उसकी मदद करता है। बहादुर आदमी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोनू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी घनी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों सारा काम हमेशा साथ ही करते थे, हमेशा साथ रहते थे।
एक बार सोनू और मोनू किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। उनका यह सफर एक घने जंगल से होते हुए गुजरता था। वो जंगल बहुत घना और बहुत डरावना था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे, जिसकी वजह से मोनू को काफी डर लग रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, यार सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जंगल कितना घना है, तुमको डर नहीं लग रहा? मोनू की बात सुनकर सोनू ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मोनू, मेरे रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, कोई भी मुसीबत आएगी ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। साधु भाई नाम का एक बड़ा डॉन रहता था। उसके पास बहुत सारे आदमी काम करते थे, उनमें से विक्की नाम का एक था। विक्की साधु भाई का हर कहा काम कर लेता था। विक्की अपने आदमियों को लेकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को डराकर पैसे लेकर वो पैसे साधु भाई को देता था। वही नहीं, पुलिस स्टेशन पर बंदूक से हमला करके अपने आदमियों को छुड़वा कर वापस ला लेता था। इसलिए साधु भाई को विक्की बहुत पसंद था। विक्की की पत्नी और बेटी थी। बेटी का नाम था स्वीटी। उन दोनों को विक्की क्या काम करता है नहीं पता था, वो कभी पूछे भी नहीं। एक बार एक घटना में विक्की की पत्नी गुजर गई। इससे विक्की स्वीटी बहुत दुखी हुए। साधु भाई के पास आकर विक्की, भाई मेरी पत्नी के चल बसने के बाद से मेरी बेटी की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये काम छोड़कर कोई व्यापार करने की सोच रहा हूँ भाई। यूं कहा साधु भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए काम छोड़ दोगे? आराम से दूसरी शादी कर सकते हो ना। यूं कहा तब विक्की, नहीं भाई, मेरी बेटी को वो मंजूर नहीं है, मुझे भी नहीं मंजूर। ऊपर से बेटी बड़ी भी हो रही है, कल उसे पता चला कि मैं क्या काम करता हूँ तो ठीक गई होगा, कृपा करके मुझे जाने दो भाई। यूं कहा साधु भाई, अरे इसमें इतना पूछने की क्या बात है, आराम से जाओ, लेकिन ध्यान से हमारे शत्रु के हाथ मत आना। यूं कहा तो विक्की घर के पास ही बेटी की देखभाल करने लगा। एक दिन साधु भाई के आदमियों में से एक आदमी आकर, विक्की भाई, साधु भाई किसी पर यकीन नहीं करते, आपको पता है ना, वो तुम पर भी भरोसा नहीं किए, इसलिए जब से तुम गए तब से साधु भाई तुम्हें मारने के प्लान में है। मैंने कहा भाई ऐसे मत करो, वो नहीं सुने, ध्यान से रहो, कहकर चले गया। विक्की तुरंत सामान लेकर बेटी को लेकर जीप में निकल पड़ा। ऐसे वो जंगल में एक जगह के पास आकर एक घर का निर्माण किया। कुछ दिन वहीं रुककर बाद में कहीं जाकर बेटी को स्कूल में भर्ती कराना है, ऐसे उसने सोचा। सेफ्टी के लिए हमेशा एक पिस्टल अपने पास रखता था। ऐसे विक्की रसोई में खाना बनाकर बेटी को देकर वो खुद भी खाता था। दोनों टीवी देखते हुए समय गुजारते थे। रात होते ही आराम से सोते थे। एक दिन रसोई में विक्की चिकन बिरयानी बना रहा था। इतने में खिड़की के पास कोई आया हुआ है, ऐसे उसे महसूस हुआ। तब से पिस्तौल निकालकर निशाना लगाया, लेकिन वहाँ देखा तो एक भालू था, वो चिकन बिरयानी की ओर देख रहा था। विक्की बर्तन उठाकर उसे दिखाते हुए, क्या चिकन बिरयानी खाना है? यूं पूछा। वो हाँ कहते हुए सर और हाथ हिलाया। वो एक प्लेट में चिकन बिरयानी रख कर खिड़की से उसे दिया। वो खा रहा था तो, स्वीटी स्वीटी देखो कौन आया है, ये पुकारा। स्वीटी भाग कर आई। भालू को देखकर, अरे कितना क्यूट है पिताजी, यूं बोली। भालू बिरयानी खाकर चले गया। वो रोज वहां आकर उनका दिया बिरयानी खाकर उनकी दोस्ती हो गई थी। स्वीटी भालू के साथ खेलने लगी थी। भालू स्वीटी को बिठाकर घुमाता तो विक्की हंसता था। स्वीटी एक दिन, पिताजी हम इसका नाम टेडी रखते हैं, ठीक है ना? यूं बोली विक्की। बहुत अच्छा है, हेलो टेडी, हेलो टेडी, यूं कहा। भालू फिर उनके दिखाए छोटे छोटे काम करना सीख गया था। एक दिन अचानक साधु भाई और उसके आदमी वहाँ आए। उन्हें देखकर विक्की पिस्तौल चलाने लगा, लेकिन वो काम नहीं किया।
को बंदूक दिखाकर स्वीटी और विक्की को कुर्सी से बांध दिए। विक्की, मुझे छोड़ दो, मेरा विश्वास करो, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बोलूंगा। प्लीज भाई, कम से कम मेरी बेटी को छोड़ दो भाई, प्लीज भाई। यूं कहा तब साधु भाई, देखो विक्की, मैं अपने ही परचाई का भरोसा नहीं करता तो तुम्हारा कैसे करूँगा। तुम्हें मार कर उसे छोड़ दिया तो कल मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ऊपर आएगी, ये सब मुझे क्यों। दोनों को मार दिया तो काम पूरा हो जाएगा, कहकर मानने वाला था कि वहाँ भालू आया। उसे देखकर विक्की, डैडी हेल्प हेल्प हेल्प, यूं पुकारा। उसे पूरी बात समझ आ गई। वो सबको फिर बहुत मारी। वो साधु भाई का गला पकड़कर मारने वाला था कि वो, विक्की हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ने के लिए बोलो, मैं फिर कभी नहीं सताऊंगा, प्लीज विक्की प्लीज। यूं कहा तब विक्की, स्टॉप डैडी स्टॉप, यूं कहा वो उन्हें छोड़ दिया। फिर सब वहां से भाग गए। उन्हें बचाने के लिए फिर दोनों भालू का खूब शुक्रिया अदा किए। ये बात है, एक भालू का वालिद था, उसकी वालिदा और वो खुद, वो तीनों जंगल में बने अपने एक मकान में रहते थे। दूसरी तरफ गोल्डी लॉक्स नाम की एक बच्ची अपने वालिदैन के साथ रहती थी। एक सुबह गोल्डी लॉक्स खेल रही थी। खेलते हुए वो जंगल की तरफ चली गई। उस दिन भालुओं ने नाश्ते में दलिया बनाई। अभी दलिया गरम थी। सोचा जंगल में चहलकदमी कराएं। गोल्डी लॉक्स को चलते चलते जंगल में एक वसी मकान देखा जिसके दरवाजे बंद थे। उसे अंदर देखने की ख्वाहिश जागी और दरवाजे के सामने आकर दस्तक दी। सुनिए, अंदर कोई है?